दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर स्टडिंग फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू पोस्ट ग्रेजुएशन। इस वीडियो में हम देखते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पोर्टल के ऊपर 12th स्टैंडर्ड में जो भी स्टूडेंट ने 80% अबव स्कोर किया है उनके लिए कैसे अप्लाई करना है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए, ये पूरा GRB हम इसमें देखने वाले हैं। और जिन स्टूडेंट ने 50% अबव स्कोर किया है और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं उनको भी कैसे अप्लाई करना है, ये सब डिटेल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वैसे तो आप NSP पोर्टल के ऊपर जाओ, पोर्टल आप वहाँ पे गाइडलाइन में जाके देख सकते हो, कॉमन FAQ का वो भी सेक्शन है, वहाँ पे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर होने वाले हैं। अभी हम तो फिलहाल देखते हैं कि 12th स्टैंडर्ड ने जो भी बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, जिनको 80% अबव मार्क्स मिले हैं और 50% अबव भी मार्क्स मिले हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है, उनकी एलिजिबिलिटी सिंपल है कि उनका पर एनम इनकम, पूरे साल का इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 8 लाख से ज्यादा इनकम है तो दैट स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। ओ, अभी इनकम की हम बात करें तो इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एक गैजेटेड ऑफिसर के पास से। यदि आपके पेरेंट्स कहीं भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं कर रहे हो तो ये आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हो। सिंपली आपको रजिस्टर करना है और अपने कॉलेज में जाके उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। स्कॉलरशिप के लिए देर इज नो एग्जाम, दिस स्कॉलरशिप इज टोटली ऑन मेरिट बेस्ड और जो भी स्टूडेंट फुलफिल नहीं कर पाते अपने डे टू डे एक्सपेंसेस फॉर द स्कूल एंड दोज हु आर नॉट एबल टू गेटिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट्स, डेफिनेटली दिस स्कॉलरशिप फॉर यू गाइज। एंड ये स्कॉलरशिप आपको 5 साल तक मिलती है, लेकिन एवरी ईयर यू नीड टू रिन्यूअल द स्कॉलरशिप ऑन NSP पोर्टल। एवरी ईयर आपको मिलने वाला है 10,000 rupees फॉर 3 ईयर एंड लास्ट 2 ईयर यू विल बी गेटिंग 20,000 rupees। सो इस तरह से आपको 5 ईयर स्कॉलरशिप मिलने वाली है एंड दोज बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, ओके, और उनका इनकम 2.5 लाख से कम है उनके लिए वो स्कॉलरशिप अवेलेबल है, जिनको 50% अबव मार्क्स मिलते हैं और जिनका इनकम बहुत ही कम है उनके लिए भी ये स्कॉलरशिप है, वो भी इस पोर्टल के ऊपर जाके रजिस्टर कर सकते हो। डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हो, यदि आप डिप्लोमा कर रहे हो तो गाइस इस स्कॉलरशिप के लिए, इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए 80% अबव का जो क्राइटेरिया है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकते। बिटवीन एनी क्वेश्चन यू आर फेसिंग फॉर दिस, हाउ टू अप्लाई द स्कॉलरशिप ऑन NSP पोर्टल, वेरिफिकेशन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट कौन से मैंडेटरी होते हैं, फॉर एट द सेम टाइम आपको कॉलेज में भी जाके बताना पड़ता है कि यदि आपका कॉलेज NSP पोर्टल के ऊपर अपडेट है कि नहीं, तो वो भी आपको बताना पड़ता है। बोर्ड ऑफिसर से आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ता है यदि आपका प्रोसेस नहीं हुआ है, फिर बाद में उसकी एक लिस्ट आ जाती है आफ्टर वेरिफिकेशन के बाद, और उस लिस्ट में आपका नाम हो तो आपके पास ऑफिशियल बैंक अकाउंट हो तो वो स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है, और ये इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना है ऑल द स्टूडेंट्स। चलिए हम स्टार्ट कर दे कि स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। अप्लाई करने के लिए आपको जाना है गूगल पे scholarship.gov.in वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी इस वीडियो के। नाउ यहाँ पे स्टेट वाइज सेंट्रल वाइज स्कीम अवेलेबल है, अलग अलग स्कीम में जाके आप देख सकते हो। अगेन नाउ वी आर हियर गोइंग टू अप्लाई फॉर द स्टूडेंट दोज हु आर स्कोर 80% अबव एंड दोज हु आर स्कोर 50% अबव। फॉर माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट है उनके लिए ये स्कीम अवेलेबल है 50% अबव की, जिन्होंने परसेंटेज लाए है। दिस स्कॉलरशिप इज अवेलेबल फॉर 4th to 10th स्टैंडर्ड, इवन दो आफ्टर ग्रेजुएशन के लिए उनकी भी डेट दे दी गई है। देखो यहाँ पे स्कीम क्लोजिंग डेट है, उनको अप्लाई करना है 15th of November तक, और फिर जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने अच्छे मार्क्स पाए हैं 12th स्टैंडर्ड में 80% अबव, उनके लिए जाना है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन।
इसके ऊपर जाने के बाद देखो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऑफ 30th of November तक कर सकते हो। फिर डिफेक्टिव वेरिफिकेशन आपको स्कूल में सॉरी कॉलेज में जाके आपको डॉक्यूमेंट्स है इसका प्रिंटआउट निकाल के सबमिट करना पड़ता है, और स्कूल को भी कॉलेज को भी आपको वेरिफिकेशन देना पड़ता है रिगार्डिंग जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है वो करेक्ट है। तो दिस इज हाउ, तो उसकी डेट है 15th of December तक, तो 30 नवंबर तक आपको इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। इसकी भी गाइडलाइन के ऊपर चले जाते हो तभी आपको यहाँ पे एक GR दिखाई देता है, यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया है कि कौन कौन एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए। देखो यू कैन सी योर 12th स्टैंडर्ड में जो भी कौन से भी बोर्ड के स्टूडेंट हो उन्होंने 80% पाया है तो ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और फिर रिजर्वेशन का भी यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है, ये सब GR वहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट इज एग्जैक्टली वो स्टडी करते रहना चाहिए, मीन्स इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने से पहले आपका एडमिशन लेना आपको ज़रूरी है डिग्री कॉलेज में, तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके एंड नाउ जस्ट सी हियर, नाउ अगेन वी आर ऑन दिस NSV पोर्टल होम पेज। देखो यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे जाके देखोगे तभी यहाँ पे टोटल एप्लीकेंट है, कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, देन कितने को वेरिफिकेशन हो चुका है, टोटल स्कीम कितनी है और कितने स्टूडेंट को अमाउंट मिल चुका है, ये सब यहाँ पे डिटेल दिखाई देता है। और वन मोर थिंग, समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि ये स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आप यहाँ पे स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस स्कॉलरशिप फॉर्म में जाके आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो कि कौन कौन से कॉलेज ऑलरेडी यहाँ पे लॉग इन है, लेकिन इसके लिए आपकी पूरी डिटेल ऑलरेडी फील की रहनी जरूरी है। आपको एक बार फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर आ जाना है और यहाँ पे देखना है कि आपका कॉलेज एनरोल है कि नहीं। यदि आपका कॉलेज एनरोल नहीं है तो आपको सिंपली कॉलेज को जाके रिक्वेस्ट करना है डॉक्यूमेंट सबमिट करते समय, वो NSP पोर्टल के ऊपर कर जाएंगे। साथ में ही नोडल ऑफिसर्स की डिटेल दी जाती है, यहाँ पे देखो अबाउट सर्विसेज, यहाँ पे नोडल ऑफिसर्स आपको मिल जाएगी। यदि अभी हम जाते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर, यहाँ पे डिटेल में सब आपको गाइडलाइन दिखाई देगी कि आपको ये अप्लाई करने से पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ या जो भी डिटेल यहाँ पे डाल रहे हो वो सब 10th स्टैंडर्ड का मार्क लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, मोबाइल नंबर ऑथेंटिक होना चाहिए और आपके पास होने चाहिए बैंक डिटेल, और बैंक डिटेल के लिए आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। यदि आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आपने पापा का भी दे सकते हो, लेकिन मेक श्योर वो आधार कार्ड से लिंक हो। ये सब यहाँ पे देखने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट्स है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसमें दिया है कि जो भी आपने ऊपर दिया है वो इन्फॉर्मेशन आपको भी अच्छी तरह से पढ़नी है, फिर आपको कंटिन्यू के ऊपर चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको करना है रजिस्ट्रेशन। देखो स्टेट ऑफ डोमासाइल, ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कौन से भी स्टेट के, इंडिया में जितने भी स्टेट है उतने स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपली स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर स्कॉलरशिप कैटेगरी है, स्कॉलरशिप कैटेगरी आप प्री मैट्रिक के लिए कर रहे हो या पोस्ट मैट्रिक के लिए कर रहे हो, देन अगेन नेम ऑफ द स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड मार्क लिस्ट में जो है वो भरना है, देन मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब फ्यू डिटेल्स भरना है, बैंक IFC कोड भरना है वो, और बैंक का अकाउंट नंबर अगेन कंफर्मेशन के लिए डालना है। अगेन आइडेंटिफिकेशन डिटेल, तो आप ये जो दे रहे हो आधार कार्ड है, आधार कार्ड नहीं है तो दूसरा भी आप दे सकते हो, लेकिन आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी, वो भी लिंक होना चाहिए। फिर कैप्चा डालने के बाद आपको सिंपली करना है यहाँ पे रजिस्टर। एक बार यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपको मोबाइल नंबर के ऊपर OTP आ जाता है, वो OTP आपको डालना है, अगेन कैप्चा वगैरह डाल के अगेन आपका ये प्रोफाइल खुल जाता है। ये इस तरह से आपका प्रोफाइल दिखाई देता है, यहाँ पे दिखाई देगा कि होम पेज में, देन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिखाई देगा, देन देखो चेक योर स्टेटस में आप चले जाते हो तभी आपको यहाँ पे दिखाएगी कि सबमिट योर एप्लीकेशन, क्योंकि अभी तक आपने एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया है। ठीक है, इन दिस हाउ चेंज आप पासवर्ड भी कर सकते हो, और एप्लीकेशन जो आपने सबमिट किया है वो आपको कैंसिल भी करना है, वो भी यहाँ से आप कर सकते हो। नाउ अभी हम चले जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। नाउ सी लेट स्टार्ट विद फिलिंग एग्जैक्टली एप्लीकेशन फॉर्म। जो यहाँ पे रेड स्टार दिखाई दे रहे वो इन्फॉर्मेशन कंपलसरी आपको भरनी होती है, देन स्टेट ऑफ डोमोसाइल ऑलरेडी फ्यू इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमने रजिस्टर करते समय भर दी थी, तो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ आई है। देखो स्टेट ऑफ डोमोसाइल आया है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का आया है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिंगल गर्ल चाइल्ड हो या आपको ब्रदर सिस्टर है अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना है, रिलीजन विच रिलीजन से आप बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है,
ओके देन चूज कम्युनिटी कैटेगरी, मीन सब जनरल कैटेगरी से हो या माइनॉरिटी से अप्लाई कर रहे हो, अकॉर्डिंगली दैट आप यहाँ पे वो भी सिलेक्ट कर सकते हो. देन फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है. देन एनुअल इनकम, एनुअल इनकम एवरी ईयर आपको ये स्कॉलरशिप रिन्यू करनी पड़ती है, तो आपको वो सेम एनुअल इनकम होना चाहिए फॉर थ्री इयर्स के लिए. तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे वो लिखना है, डे स्कॉलर वो है. देन आपको देखो मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर ऑलरेडी यहाँ पे आया है. देन एकेडमिक डिटेल, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आपका इंस्टीट्यूशन. जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तभी आपका एडमिशन हो जाना चाहिए. सेलेक्ट इंस्टीट्यूशन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आपका स्टेट. तो आप जो स्टेट से बिलोंग करते हो, तो हम यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं. देन आपको इंस्टीट्यूशन करना है, तो यहाँ पे आपको जाके देखना है कि डिस्ट्रिक्ट स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है. तो यहाँ पे आप गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट, तो यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूशन लिस्ट आ जाएगी और इसमें आपका एक कोई कॉलेज रहेगा, तो आपको अकॉर्डिंगली उसको सिलेक्ट करना है. सर्च में भी जाने के बाद आपके कॉलेज का आप कोड देख सकते हो और आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है. डू यू वांट सिलेक्ट इंस्टीट्यूशन, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है. देन एक बार सिलेक्ट होने के बाद आपका इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है. देन आपको अभी ये सब डिटेल यहाँ पे भरनी होती है, जो एनरोलमेंट नंबर, एडमिशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, यू कैन पुट ओ योर, ये सब नंबरिकल वैल्यू होनी चाहिए. कुछ भी लेटर्स वहाँ पे नहीं होने चाहिए, इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है. देन एडमिशन ईयर, डेफिनेटली हम फ्रेश एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इस साल का ईयर रहेगा. रोल नंबर आपको मिला है तो लिखो, नहीं मिला है तो मत लिखो. सेक्शन जहाँ पे रेड स्टार नहीं है वो इतना कंपलसरी नहीं होता. देन देखो आप जो कौन से डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, फोर के लिए, फोर थ्री ईयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर ऑफ साइंस थ्री ईयर, जो प्लेन ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करें. देन प्रेजेंट क्लास कौन से ईयर के लिए अप्लाई करें, क्योंकि ये स्कॉलरशिप आपको रिन्यू भी करनी होती है फॉर एवरी ईयर. तो अभी हम फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो कर रहे हैं. नेम ऑफ द स्टे रेगुलर कर रहे हो, करस्पॉन्डेंस करें, आपको रेगुलर के ऊपर अप्लाई करना है. ऑलरेडी आई टोल्ड यू करस्पॉन्डेंस के लिए आपको यहाँ पे ये नहीं दिखाई दे रहा है, स्कॉलरशिप नहीं है. ओके देन आपको प्रीवियस बोर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जो लास्ट ईयर आपने कौन से बोर्ड आपने किया था. तो डेफिनेटली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, देखो आ गया महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी वोकेशनल, लेकिन हम प्लेन से 12th किया है तो प्लेन डाल रहे. देन प्रीवियस कोर्स यहाँ पे कौन सा था, 10th 12th का था. पासिंग ईयर कौन सा था, सो 2021 ये. प्रीवियस परसेंटेज आपको कितने मिले थे वो आपको यहाँ पे डालना है. 80% अबव होनी चाहिए नॉर्मल स्टूडेंट, दोज आर अप्लाइंग अंडर माइनॉरिटी, उनके लिए 50% अबव होना चाहिए. रैंक होल्डर हो क्या, नहीं हो तो इसमें कुछ नहीं आएगा. देन अगेन ही क्लास 10th की डिटेल हम यहाँ पे डाल रहे हैं. 3-8 जो आपका सीट नंबर था वो यहाँ पे आपको डालना है. फिर आपको जो सीट नंबर जो आपने डाला है वो कन्फर्म भी करना है. देन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है बोर्ड. अगेन आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ही हम सिलेक्ट करने वाले हैं. देखो यहाँ पे आ गया महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेकेंडरी हायर एजुकेशन. ईयर ऑफ पासिंग, आपने 10th कौन से ईयर में पास किया था उसका आपको डालना है. और आपको लास्टली कितने मार्क्स मिले थे वो यहाँ पे आपको डालने हैं. देन 12th का रोल नंबर भी आपको डालना है, लेकिन ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अगेन कंपलसरी क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर डाली है. ठीक है, फिर भी आप चाहिए तो इसको भी डाल सकते हो आपके पास है तो. देन आपको बोर्ड का नेम सिलेक्ट करना है, अगेन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से आपने किया है सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन. देन आपको ईयर ऑफ पासिंग वो सेम ईयर आपको डालना है. देन मार्क्स आपको कितने मिले थे वो आपको मार्क्स यहाँ पे डालने हैं. ये सब डालने के बाद देखो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ही सिलेक्ट
अप्लाई किया था क्या, फिर किसने कंडक्ट किया था, उसकी भी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। देखो नीचे आने के बाद इज ऑफ ऑर्फन हो तो नो है, गार्डियन का नेम आपको डालना है तो यहाँ पे आप अपने फादर का या ग्रैंड पेरेंट्स का नाम डाल सकते हो। डिसेबल है चूज योर ऑप्शन, तो डिसेबिलिटी है यहाँ पे कुछ नहीं है। देन मैरिटल स्टेटस है तो यहाँ पे आपको करना है अनमैरिड। देन पेरेंट प्रोफेशन है, जो भी आपके पेरेंट्स करते होंगे, फार्मर वगैरह रहेगा तो आप यहाँ पे वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सपोज यूर पेरेंट्स बिलोंग्स टू फार्मर वगैरह तो अदर कोई है यहाँ पे नहीं दिख रहा तो अदर पे आप डाल सकते हो। IFSC कोड, बैंक डिटेल ऑलरेडी आया है। एनी पेरेंट्स नॉट अलाइव, इफ एनी पेरेंट्स ऑफ नॉट अलाइव तो यहाँ पे नो एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करना है। गाइस दिस इज हाउ, जस्ट चेक ऑल द इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी है वो करेक्ट है क्या, जो भी यहाँ पे रेड स्टार है वो ऑलरेडी कंप्लीट फिल किया है क्या। ये सब होने के बाद आपको जाना है सेव और कंटिन्यू के ऊपर। आपको ये दिखाई देता है यहाँ पे आपको स्टेट डालना है, देन होम डिस्ट्रिक्ट जो जहाँ पे आप रहते हो, देन ब्लॉक तालुका वो डिटेल डालने हैं, देन राइट योर फुल डिटेल एड्रेस विथ द पिन कोड नंबर। ये सब होने के बाद स्कीम डिटेल यहाँ पे दिखाई देती है और आपको व्यू डॉक्यूमेंट सेक्शन दिखाई देता है और आपको सेव एज अ ड्राफ्ट में जाके ये सिलेक्ट करना है, सबमिट करना है। देन स्कॉलरशिप यहाँ पे देखो एक चीज़ दिखाई देती है कि स्कॉलरशिप अमाउंट लेस देन 50,000, नो नीड टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट, सबमिट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन स्कूल कॉलेज फॉर द इंस्टीट्यूशन। और ये कॉपी है वो स्कूल कॉलेज में आपको सबमिट करना है। दिस इज हाउ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन। से और प्रोसीड के ऊपर चले जाने के बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भरने हैं। फिर स्कीम डिटेल के बारे में बताते हैं कि यदि आपने जो अप्लाई किया था वो अवेलेबल है कि नहीं, और फिर बाद में आपको सेव एज ड्राफ्ट में करना है। देन आपको इसके बाद में यहाँ पे प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन ऊपर के जाने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल के कॉलेज में जाके सबमिट करना है। आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप कर सकते हो। एंड दिस इज हाउ वेरी सिंपल प्रोसेस टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप ऑन NSP पोर्टल फॉर फर्स्ट स्टैंडर्ड टू पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर द माइनॉरिटी फॉर द गर्ल चाइल्ड। लाइक 146 स्कीम्स अवेलेबल है ऑन वेरियस स्कॉलरशिप अवेलेबल ऑन दिस पोर्टल एंड दिस इज वेरी सिंपल प्रोसीजर। यू कैन अप्लाई बट लिटिल बिट डाउट्स यहाँ पे आ सकते हैं। सपोज एनीथिंग डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स।